बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट पे। शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट हमारे पास कौन सी होती है? दिस वन फॉरवर्ड मूवमेंट है, ये हमारे पास फ्लेक्शन है। पीछे मूवमेंट हमारे पास एक्सटेंशन है। ये टुवर्ड्स बॉडी जो है ये हमारे पास मीडियल रोटेशन है, अवे है लेटरल रोटेशन। ये अवे फ्रॉम द बॉडी, दिस वन अवे फ्रॉम द बॉडी एबडक्शन, टुवर्ड्स द बॉडी एडक्शन। और इसके अलावा ये जो इन सारी मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन जो है दिस इज़ कॉल्ड द सर्कमडक्शन। ये हमारे पास शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट्स हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। ओके, वन बाय वन हम एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फ्लेक्शन, जो फॉरवर्ड मूवमेंट है आपकी फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। फ्लेक्शन में चलते हैं, उसकी रेंज की बात करते हैं। ये आप कितना ऊपर लेके जा सकते हैं? ऑब्वियसली यहाँ तक आप ले जाते हैं अपना बाजू, तो 180 डिग्रीज तक फ्लेक्शन की आपके पास जो है ना रेंज है। अब इसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, आपको क्या लगता है कौन से मसल होंगे? ऑब्वियसली जो एंटीरियर आपके प्रेजेंट हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर डेल्टॉइड होता है, आई मीन्स डेल्टॉइड के एंटीरियर फाइबर्स। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पर पेक्ट मेजर लगा होता है। इसके अलावा आपको पता है कि ये इसके जो मसल्स हैं, बाइसेप है हमारे पास, ब्रेक्यूरेडियलिस है, ये इसके मसल्स हैं। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड फ्लेक्शन में इन्वॉल्व है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एक्सटेंशन। हम एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। एक्सटेंशन बेसिकली यही कितनी मूवमेंट है, इसकी रेंज की अगर बात करें तो 45 डिग्री इसकी रेंज है। मसल्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ऑब्वियसली यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया जैसे एंटीरियर डेल्टॉइड, तो यहाँ पे पीछे को लेके जाने के लिए पोस्टीरियर डेल्टॉइड ऑब्वियसली। उसके अलावा यहाँ पे पीछे खींचने के लिए एक बड़ा मसल जो बैक का बड़ा मसल है, क्या नाम है? ऑब्वियसली लैटिसमस टॉर्सी। लैटिसमस टॉर्सी आपकी बैक का एक सबसे बड़ा मसल है जो कि इसमें इन्वॉल्व है। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पेक्ट मेजर होता है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आप आ जाएं जनाब, यहाँ पे आ जाएं एबडक्शन एडक्शन पे। ये आपकी टू अवे फ्रॉम द बॉडी है एबडक्शन है, टुवर्ड्स द बॉडी है एडक्शन है। अवे फ्रॉम द बॉडी जो एबडक्शन मूवमेंट है 120 इसकी रेंज है, 120 तक ये जाता है। अब अवे फ्रॉम द बॉडी जो मूवमेंट है, जो एबडक्शन है, बेसिकली एबडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल ओनली 120 डिग्रीज ऑफ एबडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल ओनली विद द मूवमेंट ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। जब तक इसमें स्कैपुला ना इन्वॉल्व हो, स्कैपुला ह्यूमरल रिदम होता है यहाँ पे, वो मैं एक अलग वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे होता ही है कि बेसिकली जो एबडक्शन है ये अवे फ्रॉम द बॉडी है। तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि 120 इसकी रेंज है, लेकिन उसमें आपका स्कैपुला की मूवमेंट भी इन्वॉल्व है। लेकिन इस टाइम हम ग्लेनोह्यूमरल की बात कर रहे हैं, तो हम ग्लेनोह्यूमरल की ही बात करेंगे। ओके, अब होता ही है कि जो स्कैपुला के ऊपर मसल लगे होते हैं, कौन सा मसल होता है ऊपर वाला? सुपरा स्पाइनेटस। सुपरा स्पाइनेटस आपकी बॉडी को, आपके अपर लिम को अवे फ्रॉम द बॉडी के लिए पुल करेगा। यहाँ से आपकी एबडक्शन को स्टार्ट करेगा। जब यहाँ तक चली जाएगी 90 डिग्री तक, तो उसके ऊपर फिर एंगल बन जाएगा। किसका एंगल बन जाएगा? जो मिडिल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड होंगे उनका एंगल बन जाएगा। इस वजह से वो उसको ऊपर पुश कर लेंगे। तो स्टार्ट हमारे पास सुपरा स्पाइनेटस करेंगे और उसको कंटिन्यू 90 डिग्री पे जाके उसके बाद डेल्टॉइड। ओके, अच्छा उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये है हमारे पास जनाब लैटरल रोटेशन। आप देख रहे हैं जब आप इसको दरमियान में सेंटर फ्रंट में रखते हैं और फ्रंट से अगर आप इधर को ले जाएँ तो ये लैटरल रोटेशन है, टुवर्ड्स दी बॉडी ले आएँ तो ये आपकी मीडियल रोटेशन है। समझ आ रही है? ये एल्बो अगर आपने यूँ सामने रखी हुई है, यूँ ले जाएँ तो ये लैटरल रोटेशन है, यूँ ले जाएँ तो ये मीडियल रोटेशन है। अगर लैटरल रोटेशन की बात करें तो लैटरल रोटेशन की सबसे पहले हम रेंज की बात कर लेते हैं। कितनी रेंज है, कितनी दूर आप लेके जा सकते हैं, अपना अपना करके ज़रा एग्जामिन करें। 45 डिग्री तक हम इसको लेके जा सकते हैं। मसल्स इसमें इन्वॉल्व हैं ऑब्वियसली, जो पीछे मसल इन्वॉल्व हैं, पीछे लगे हुए हैं मसल, जैसे कि आपका डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर्स, वो इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। इसके अलावा आपका जो इंफ्रास्पाइनेटस मसल है वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। ओके, टीडीएस माइनर भी इसमें इन्वॉल्व होगा। अगर हम बात करें मीडियल रोटेशन की, तो मीडियल रोटेशन हमारे पास अप टू सम एक्सटेंट थोड़ी सी अमाउंट में लैटरल रोटेशन से ज़्यादा होती है। लैटरल रोटेशन की रेंज, लैटरल रोटेशन की जो रेंज है यहाँ पर मैंने आपको बताई है,
45 डिग्री की तकरीबन 40 टू 45 डिग्रीज जो है ना लैटरल रोटेशन की रेंज होती है। जो मीडियल रोटेशन है इसकी रेंज हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आप अपनी बॉडी को, अपनी आर्म को टुवर्ड्स दी बॉडी लेके आएँ, आप खुद ही फील करेंगे कि अवे आप कम लेके जा सकते हैं लेकिन टुवर्ड्स आप ज़्यादा लेके आ सकते हैं। इसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होती है लैटरल से, ठीक है। 55 डिग्रीज इसकी रेंज है, 50 to 55 डिग्रीज। अब हम उन मसल्स की बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास इन्वॉल्व हैं मीडियल रोटेशन में। कौन कौन से मसल आपके इन्वॉल्व हैं मीडियल रोटेशन में, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली जो हमारे एंटीरियर मसल्स होंगे जो यहाँ पर मौजूद होंगे वो आपके इन्वॉल्व होंगे इस वाली मूवमेंट में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये जो बड़ा मसल आगे लगा हुआ है डेल्टॉइड। डेल्टॉइड के कौन से फाइबर? एंटीरियर फाइबर। यस, एंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड आएंगे। इसके अलावा आपका सब स्कैपुलरिस मसल भी, आपको पता है कि स्कैपुला की कोस्टल सर्फेस पर लगा हुआ, एंटीरियर ही भी आ जाता है, वो भी इसमें आएगा। इसके अलावा आपका जो लैटिसिफर्स डॉर्स है ये है वो भी इसको खींच रहा है। इसके अलावा आपका टीरीज मेजर मसल भी इसमें इन्वॉल्व है। ओके, ये हमने बात की फ्लेक्शन की, एक्सटेंशन की, उसके बाद की अबडक्शन की, एडक्शन की, लैटरल रोटेशन की, मीडियल रोटेशन की। अब इन सब मूवमेंट्स का कम्बिनेशन जो है उसको हम सर्कमडक्शन बोलते हैं। जो आपकी रोटेशन अप टू, मतलब आप देख रहे हैं इस पिक्चर में उन्होंने बड़े अच्छे से आपको दिखाया हुआ है कि इनका जो है ना वो कम्बिनेशन ऑफ दी मूवमेंट इज कॉल्ड दी सर्कमडक्शन। ओके, लेट मी टेल यू वन अदर थिंग। जो शोल्डर जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट आप देख रहे हैं, शोल्डर जॉइंट की जो मोबिलिटी है इट इज़ वाइड एज़ कम्पेयर टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कम है और मोबिलिटी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ये जो जॉइंट है हमारा, कौन सा जॉइंट है? हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में हमारे पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है लेकिन मोबिलिटी कम है। शोल्डर जॉइंट में हमारे पास स्टेबिलिटी कम है लेकिन मोबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर फ्रैक्चर वगैरह जो भी इंजरीज हैं अपर लिम्ब के ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर लिम्ब, क्योंकि हमने अपर लिम्ब ने स्टेबिलिटी को कम्प्रोमाइज़ किया हुआ है मोबिलिटी के लिए। यहाँ पे हमने मोबिलिटी को कम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, इतनी मूवमेंट हम नहीं कर सकते हिप जॉइंट की जितनी हम शोल्डर की कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए मोबिलिटी को कम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे हमने शोल्डर के अंदर हमने क्या किया हुआ है? स्टेबिलिटी को कम्प्रोमाइज़ किया हुआ है लेकिन मोबिलिटी के लिए, क्योंकि हमने अपने हाथों से काम करने होते हैं, तैयार श्यार होना है, खाने बनाने हैं, लिखना पढ़ना सारा कुछ जो भी है शोल्डर से करना। और लेकिन ये जो हिप जॉइंट है ये हमारे वेट को सपोर्ट करता है। स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। सो यहाँ पे मोबिलिटी कम्प्रोमाइज़ है और यहाँ पे स्टेबिलिटी कम्प्रोमाइज़ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। थैंक यू।